सांपों एवं खुखार अजगरों को पकड़ने में माहिर है बामनिया। सांप दिखते ही मनुष्य उसके खौफ से ही मैदान छोड़ने को आतुर रहता है, लेकिन कुछ बिरले लोग भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी सांपों को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को ब्रजमोहन तापड़िया के खेत में देखने को मिला। करीब 6 से 7 फीट लंबा अजगर मजदूर एवं राहगीरों ने देखा तो तत्काल सूचना धर्मेंद्र बामनिया एवं वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। बामनिया ने तत्काल पहुंचकर अजगर को कुछ ही मिनटों में पकड़कर वन विभाग के कर्मचारियों को सुपर्द कर दिया। एक ही दिन में 4 अलग अलग जगह पकड़े सांप एवं अजगर। हाई अरसे केंडरी स्कूल बाग के प्रांगण में जब 5 फुट लंबा सांप स्कूल के मैदान में दिखाई दिया। सूचना मिलते ही धर्मेंद्र बामनिया स्कूल पहुंचे और सांप को अपनी गिरफ्त में कर लिया। दोपहर करीब 1 बजे बायपास रोड पर अनाज व्यापारी अंकित जानवर की दुकान के सामने एक छोटा सांप पेड़ से उछलकर पिकअप वाहन के अंदर घुस गया। तभी वहां से गुजरना हुआ और बामनिया ने उसे पकड़ लिया। यद्यपि सांप ने भागकर अपना विरोध दर्ज कराया एवं कई बार पलटवार भी किया, बामनिया ने बताया कि यह उड़ान बेल सांप की प्रजाति है। रात को खतरनाक मोड़ स्थित मंटू जन के यह से भी सांप पकड़ा। सांप पकड़ कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। बामनिया ने चर्चा में बताया कि जिस प्रकार हम सांपों से डरते हैं, उसी प्रकार सांप भी हमसे कई गुना डरते हैं। जीने का अधिकार जैसे हमें है, वैसे ही उन्हें भी है। मैं उन सांपों को जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा था। बामनिया यह कार्य निःशुल्क करते हैं। यह कार्य निडरता से उत्प्रोत होकर सराहनीय है, किंतु धर्मेंद्र बामनिया को वन विभाग से सुरक्षा किट मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि किसी विषम परिस्थिति में वे उपयोगी साबित हो। निसंदेह भाई धर्मेंद्र को ईश्वर ने कमाल का जिगरा दिया है, जिसके बल पर वे सांप पकड़ने की कला में माहिर हो गए हैं। धार जिले के बाग से नरेश सेठिया की रिपोर्ट।